वेरी गुड मॉर्निंग जैसा कि हमने कल इंडियन जोग्राफी क्लास में देखा था कि हमने इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भारत में परिवहन है ना और इसमें हमने सबसे पहला परिवहन रोड या सड़क परिवहन की बात की थी और कुछ आपको डेटा भी दिया था अब वो डेटा आज हमें करंट अफेयर्स के साथ अपडेट कर लेना पड़ेगा है ना तो सीधा हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको भारत का टोटल सड़क नेटवर्क 62.16 क्या है लाख किलोमीटर का है ये डेटा बिल्कुल अपडेटेड है तो एकदम अपडेट कर लीजिए आप इसे बासठ दशमलव एक छ लाख किलोमीटर का टोटल सड़क नेटवर्क है हमारे यहां और ये रिपोर्ट 2021-22 तक की है तो अपडेटेड है टोटल सड़क नेटवर्क और इतनी लंबाई के कारण भारत आप जानते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन जाता है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देता है हमें ठीक है चलिए इसमें अब हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल कितनी है तो नेशनल हाईवे अब बहुत तेजी से बढ़े हैं वन थ्री सिक्स डबल फोर जीरो किलोमीटर का है टोटल जो नेशनल हाईवे है वो वन थ्री सिक्स डबल फोर जीरो का है जो डेटा जनरली अब पूछा जाने लगा है उस पर भी ध्यान दे, देना होगा हमें और वो है एक्सीडेंट का रोड एक्सीडेंट्स, रोड दुर्घटनाओं का उससे भी कुछ प्रश्न तैयार करें या कुछ डेटा अपडेट कर लीजिए आजकल सरकार काफी ध्यान भी दे रही है इस चीज पर तो सरकार मानती है कि 2018 से 2019 में रोड दुर्घटनाओं में कमी आई है तो एक तो चीज याद रखनी है कि कमी वाला शब्द आपको याद रखना है कमी आई है ठीक है और सरकार कितना दावा कर रही है 3, 3. की कमी सरकार सोच रही है मानती है कि इतनी कमी आई है सरकार ये भी मानती है कि जितने भी लोग मृत्यु हो रही है रेल दुर्घटनाओं में या रेल दुर्घटनाओं का शिकार लोग जो हैं उनका जो उम्र है एवरेज उम्र है वो 18 से 60 वर्ष का है 80 परसेंट लोग इस उम्र के होते हैं तो सरप्राइज नहीं है क्योंकि यही उम्र है जो ज़्यादातर ड्राइविंग की होती है 18 साल में हम लोग लाइसेंस बनवाते हैं और इसी उम्र तक ड्राइविंग भी करते हैं तो इसलिए अधिकांश रोड दुर्घटनाएं इस एज के लोगों के साथ ज़्यादा होती है इनका रेशियो उसमें ज्यादा है ठीक है और इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी सेवन परसेंट टू व्हीलर का है दो पहिया वाहनों का है थर्टी सेवन परसेंट एक्सीडेंट टू व्हीलर इन्वॉल्व हैं उनके साथ होता है उनकी वजह से होता है दोनों चीज शामिल हैं और इन दुर्घटनाओं में सरकार मानती है कि 71.1% 71.1% परसेंट परसेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है ओवर स्पीडिंग मेन कारण है ठीक है पिछले दो सालों में भारत सरकार ने कहा है कि 2014 से 2018 तक यानी पहली जो एनडीए मोदी सरकार का फेज रहा है उसमें सरकार की उपलब्धियां क्या हैं तो वो भी लिखिए क्या है सरकार की उपलब्धि ईस्टर्न ईस्टर्न पेरीफ्रल पेरीफ्रल ईस्टर्न पेरीफ्रल रोडवे या हाईवे एक्सप्रेस वे ईस्टर्न पेरीफ्रल एक्सप्रेस वे उपलब्धि रही है और ये क्वेश्चन अच्छा है अगला वाला भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सादिया पुल को भी सरकार अपनी उपलब्धि पिछले 2014 से 19 तक मान रही है बाकी लगभग सरकार हर साल 6000 से किलोमीटर से अधिक का नेशनल हाईवे तैयार कर रही है 6000 से अधिक लॉकडाउन में यह 7000 तक पहुंच गया क्योंकि कोई बाधा नहीं थी तो एवरेजन आप सात हजार मान के छह हजार मान के चल सकते हैं लॉकडाउन में ये स्थिति सात हजार तक की थी तो ढोला सदिया ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ता है तो आप जानते हैं सदिया असम में तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर तो अच्छा प्रश्न है चर्चा में भी रहा जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दिल्ली के दिल्ली जाने वाले या दिल्ली में जो लोग हैं कहने का मतलब ऐसे व्हीकल जो दिल्ली में प्रवेश होकर दूसरे राज्यों में जाते थे जैसे किसी को मेरठ से मथुरा जाना है या दिल्ली मेरठ से फरीदाबाद जाना है तो अब वो दिल्ली ना होकर दिल्ली से बाहर भी बाहर जा सकता है तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तो दिल्ली से बाहर रोड कनेक्टिविटी दे रहा है दिल्ली में व्हीकल लोड को कम करने के लिए है एक और लिखेंगे <coughs> सॉरी रोड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक फंड बनाया हुआ था रोड डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया था जिसका नाम था सेंट्रल रोड फंड केंद्रीय सड़क निधि इसका नाम बदला गया है और अभी वित्त मंत्रालय के तहत आ गया है क्योंकि फाइनेंस की समस्या हो रही थी मैनेजमेंट की तो इस मैनेजमेंट को दूर करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा ये काम किया गया है अब इसका नाम रखा गया है केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द ऐड किया गया है ठीक है कल आपने एनएचएआई की बात की थी उससे भी एक अच्छा प्रश्न तैयार होता है एनएचए में क्या है एनएचए के पास माना जाता है या एक काम करिए क्वेश्चन बनता है कि एनएचआई किसके अधीन काम करता है तो एनएचए आई नेशनल या सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे और कौन कौन है इसके अंडर में इस रिलेटेड जितने भी नेशनल हाईवे पर काम चल रहे हैं उनके इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए नेशनल हाईवे इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान नेशनल हाईवे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एन आई टी एच ई .E. तो एग्जैक्ट हो जाएगा उफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हाईवे ट्रेनिंग फॉर नेशनल हाईवे इंजीनियर्स ठीक है राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान इसके अलावा मिनिस्ट्री के अंडर में आईआरसी भी आता है आईआरसी का मतलब है भारतीय सड़क कांग्रेस भारतीय सड़क कांग्रेस चलिए नेक्स्ट लाइन से अच्छा प्रश्न है और कंफर्म है कि क्वेश्चन बन सकता है फास्टैग कब से स्टार्ट किया गया मैंडेटरी किया गया है तो फास्टैग मैंडेटरी हुआ है एक जनवरी 2021 से ठीक है तो एक जनवरी दो हजार इक्कीस से फास्टैग को मैंडेटरी बनाया गया है और लास्ट क्वेश्चन है एनएचआई डीसीएल एनएचआईडीसीएल इट्स अ पीएसयू स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड नेशनल हाईवे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है सरकारी क्षेत्र की संस्थान है एन एच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आता है फुल फॉर्म लिखेंगे इसका नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तो ये रोड से संबंधित सारा करंट अफेयर आपका तैयार है चलिए ऐसा ही कुछ करंट अफेयर हम अभी तैयार करेंगे रेलवे को पढ़ने के बाद ठीक है तो नेक्स्ट सेटिंग हमारा कल का था भारतीय रेलवे से संबंधित हम बातें कर रहे थे तो उस टॉपिक को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं इस करंट अफेयर की चर्चा के बाद